मैं शुरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। उदास हुए हुए एमसी स्टैन को भी नहीं पूछा सुम्बुल ने कि भाई एमसी क्या हुआ। चलिए आप लोगों को बताते हैं घर के अंदर की ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया, एमसी स्टैन जो है काफी ज्यादा उदास है और अब्दुल रोजिक जो है उनकी फीलिंग को समझ रहे हैं। जो इंसान घर के अंदर के लोगों की फीलिंग को समझता है उस इंसान की फीलिंग जो है बाहर बैठी हुई जनता समझती है। आप लोगों को भी ये बात पता होगा। इसी दौरान एमसी स्टैन और अब्दुल रोजिक काफी सारी बातें जो है गार्डन एरिया के डिस्कशन रूम में कर रहे होते। अब्दुल रोजिक जो है एमसी स्टैन को मना रहे होते। इसी बीच में जो सुम्बुल है वो किचन से आती है, चम्मच उनके हाथ में होता है और बोलती है कि अब्दुल तुमने अपनी प्लेट नहीं धोई, तुमने अपनी प्लेट नहीं धोई। जहां पर अब्दुल बहुत ही टेंशन में आ जाते और बोलते कि नहीं, नो 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 अलवॉश, ऐसे करके वो बात करते हैं। तो जहां पर जो सुम्बुल है वो सुम्बुल जाती है और उनका हाथ पकड़ के जो आती है, और उसी वक्त जो है जब वो डिस्कशन रूम में जाती है और वहां पर एमसी स्टैन उदास बैठे होते हैं तो एमसी स्टैन को बोलते कि तुमने अपनी प्लेट धोई। जहां पर एमसी बोलते कि नहीं मैंने खाना ही नहीं खाया। जिस वे से उन्होंने बोला कोई भी इंसान जो है समझ जाता कि वो उदास है। और मुझे लगता है उस सुम्बुल की बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि सुम्बुल रुकी वहां पर और उनको फील हुआ कि आखिरकार एमसी स्टैन उदास है, पर वहां पर सुम्बुल खान ने उनसे पूछा तक नहीं एक बार भी कि एमसी तुम्हें क्या हुआ, किस बात का दुख है भाई, क्यों उदास हो। काश वो वहां पर वो बात करती तो शायद एमसी जो है अपने दिल की बात सुम्बुल को बोलते। यही तो लम्हे होते हैं, यही तो पॉइंट्स होते हैं कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो पाओ और बाहर की जनता जो है आप वहां पर सही हैं गलत हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको वो अच्छा समझ रहे हैं या बुरा समझ रहे हैं। पर वहां पर ये एडवांटेज जो है वो सुम्बुल ने नहीं ली। एडवांटेज भी क्या बोलूं कि किसी के दिल की बात समझ के भी उन्होंने नकारा कर दिया, अनदेखा कर दिया। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।